समदड़ी के पास में जोधपुर से चलकर पालनपुर को जाने वाली ट्रेन की समदड़ी के स्टेशन के 500 मीटर की दूरी पर साधारण सवारी गाड़ी जो अचानक आगे बैल आने की वजह से ब्रेक लगाने से ट्रेन की एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई। गमनित रही कि बड़ा हादसा टल गया, जो बड़ा हादसा हो सकता था, मगर ट्रेन की स्पीड धीमी होने की वजह से वहां पर पायलट के सूझबूझ से उसने ब्रेक लगा दिए, जो एक बड़ा हादसा टल गया। तो मैं आपको बता दें, पालनपुर को जाने वाली समदड़ी के पास में पहुंची थी सवारी गाड़ी और एक बोगी पटरी से उतर गई। वहीं अभी ट्रेन की तकनीकी की वजह से अभी तक यहाँ पे जोधपुर के DRM पंकज कुमार सिंह भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे और रेलवे काल अधिकारी और पुलिस विभाग के GRP और RPF के भी अधिकारी यहाँ पे है। तो आपके बता दें तो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं लोग। तो अभी जो यहाँ पे जो परेशानी देख रहे हैं, ये जो मेले का माहौल देख रहे हैं, तो ये यात्री जो सवारी गाड़ी है, जो सवारियां अपनी जो यहाँ से यात्रा करी थी इस ट्रेन में, तो रेलवे के द्वारा यहाँ पे बसें लगाई गई है जो रानीवाड़ा के लिए, जालौर के लिए और पालनपुर भिलड़ी के लिए। तो सवारी अधिक होने से बसों की संख्या कम हो रही है और लोगों के अंदर अपनी अपनी बीमसी हुई है। लोग पहुंचने की सब मिलेगी, सब मिलेगी। तो वही अब लोग अपने बसों को ढूंढने लगे हुए हैं। सवारी अधिक होने की वजह से बसों की संख्या कम हो रही है। 4-5 बसें यहाँ पे लगाई गई है जो रानीवाड़ा, जालौर और पालनपुर को लेकर है। फिर भी सभी सवारियों को DRM ने यहाँ पे निर्देश दे रखा है। रेलवे विभाग के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी गई है, जो बहुत जल्दी इन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो सवारियों की आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे। और आपको बता दूं तो ट्रेन की अभी तक ट्रेन यहाँ पे पटरी के पास में ही है, जो पिछले 2 घंटों से यहाँ पे ट्रेन पड़ी है। एक बोगी ट्रेन से उतर गई थी जोधपुर से चलकर पालनपुर जाने वाली, जो एक बैल आने से ट्रेन को रोक दी गई थी और एक बड़ा हादसा टल गया। आगे आने से बैल के अचानक आगे आने से ट्रेन के पायलट द्वारा सूझबूझ से ब्रेक लगा दिए गए, जो ब्रेक लगाने से एक ये बोगी के पहिए नीचे उतर गए, जो बड़ा हादसा टल गया। गमनित रहे की स्पीड धीमी होने की वजह से अभी भी ट्रेन यहाँ पे पड़ी है, जो समदड़ी जंक्शन के स्टेशन के पास में है। ट्रेन को पूरा खाली कर दिया गया है। जो जोधपुर से और बाड़मेर को चलकर आने वाली ट्रेन है उनको अगले स्टेशनों पर ही रुकवा दिया गया है। के बीचों बीच में एक सिंगल लाइन है जो समदड़ी स्टेशन को जोड़ने वाली है और समदड़ी कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली थी और अचानक बैल आने से पायलट ने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से एक बोगी के पहिए नीचे उतर गए, जो पायलट की सूझबूझ से उसने ब्रेक लगाए, जो ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो अंदर जो सवारियां थी वो पूरी डर गई थी, सहम गई थी। तो सूचना पर तत्काल प्रभाव से DRM पंकज कुमार सिंह भी मौके पे पहुंचे, रेलवे के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। पिछले 2 घंटों के मकसद से भी बोगी को तो पटरी पर चढ़ा दिया गया है, मगर बैल अभी भी अंदर फंसा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है, जो हाइड्रो और क्रेनों की मदद से उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये बालोतरा दिल्ली के समदड़ी से है, समदड़ी जंक्शन के पास में जोधपुर रेलवे लाइन की। नहीं खाली इसी का करा आपको केवल देखी का गाड़ी जो समदड़ी जंक्शन के पास में पहुंचते समय ट्रेन के आगे अचानक लोकल सवारी गाड़ी के आगे बैल आ गया, जिससे ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बैल को बसाना था मगर बैल तो बसा नहीं सके, मगर उसके बोगी से जो ब्रेक लगने से एक बोगी के पटरियों से उसके पहिए नीचे उतर गए, तो ट्रेन के पहिए नीचे उतरने से एकदम जो सवारी अंदर थी तो उनको डर के साथ में बड़ा तो कहते ना एक दिल दहलाने वाला आसान नजर सामने आया कि एकदम अचानक जब ट्रेन हिलने लगी तो देखा कि क्या हुआ, तो फिर लोगों के समझ में आया कि पटरी के नीचे से ट्रेन उतर गई उसकी वजह से। तो फिर आनंद फानंद में रेलवे के अधिकारी और आला विभाग के कर्मचारी यहां पे पहुंचे, जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारी भी यहां पे पहुंचे, और सूचना पर जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह भी यहां पे पहुंचे और रेलवे के आला अधिकारी भी यहां पे पहुंचे। तो उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया और मौका स्थिति का जायजा लेकर उन्होंने देखा कि यहाँ के जो स्थितियों को देखकर अभी तक ट्रेन यहाँ पे से दो घंटे से यहाँ पे खड़ी है, जो हाइड्रो और क्रेनों वगैरह की मदद से रेलवे की बोगी को तो अभी पटरी पर चढ़ा दिया गया है मगर अभी भी वो बैल है वो ट्रेन के नीचे फंसा हुआ है। तो अभी उसकी वजह से और इनकी जो ब्रेक लगने की वजह से इनके कुछ तकनीकी और जो कुछ पाए वगैरह है तो उनकी फट गए, तो उसकी वजह से अब चल नहीं रही है ट्रेन को, यहाँ से चलाने के प्रयास किया जा रहा है। तो सिंगल लाइन होने की वजह से बाड़मेर के चलकर और जोधपुर के चलकर जो भी ट्रेनें आ रही है तो उनको अगले स्टेशन पर ही फिलहाल के लिए रोका दिया गया है, और जब तक कि लाइन क्लियर नहीं होती और लाइन क्लियर कराने के लिए डीआरएम खुद यहाँ पे लगे हुए, और आप देख सकते हैं जो अभी ट्रेन से नीचे उतर के आ रहे हैं और डीआरएम यहाँ पे खुद मौजूद है, तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं।
I'm going to go back.